ये है BMW M5 जो कि BMW की एक स्पोर्ट्स सेडान है जिसमें हमको बढ़िया 600 हॉर्स पावर मिलती है। लेकिन अगर आप इससे भी खुश नहीं हो तो फिर इसके ऊपर आती है M5 कॉम्पिटिशन जिसमें हमको और बढ़िया ट्यूनिंग मिलती है एंड 600 के बदले 617 हॉर्स पावर। नो अब अगर आपका इस एक्स्ट्रा 17 हॉर्स पावर से भी काम नहीं चल रहा तो फिर इसके ऊपर आती है BMW M5 CS। M5 CS में एक्स्ट्रा कार्बन फाइबर और रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक का यूज किया जाता है बॉडी को और लाइट वेट बनाने के लिए एंड 600 के बदले 627 हॉर्स पावर मिलती है। नो लेकिन अभी एक चीज बाकी है और वो है G Power M5। G Power का नाम सुनते ही अच्छी अच्छी स्पोर्ट्स कार की चड्डी खिली हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए ये है G Power M5 जहाँ नॉर्मल M5 में 600 हॉर्स पावर मिलती है, वहीं इसमें 600, 700, 800 नहीं बल्कि 900 हॉर्स पावर मिलती है एंड साथ में 1050 Nm का टॉर्क। मतलब जी पावर ने इस गाड़ी को इस लेवल तक ट्यून्ड किया है कि ये कार मैक्सिमम 340 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड तक जा सकती है। आपके मन में अब तक एक सवाल जरूर आ गया होगा कि भैया आखिर ये जी पावर है क्या, क्या ये कोई कार कंपनी है या फिर कुछ और दूसरी कंपनीज की कार्स पर अपना लोगो चिपका कर कैसे बेच रही है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जी पावर के बारे में जानते हैं और BMW के साथ इसका क्या लिंक है उसके बारे में भी। जी पावर फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले सबसे मेन क्वेश्चन का आंसर करते हैं, व्हाट इज जी पावर, भैया आखिर ये है क्या। तो देखो जी पावर कोई ऑफिशियली कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है जैसे मर्सिडीज, महिंद्रा, टाटा एक्सेट्रा, बल्कि जी पावर एक जर्मन बेस्ड आफ्टर मार्केट ट्यूनिंग कंपनी है जो कि अलग अलग कार्स को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज या फिर ट्यून्ड करती है। अच्छा, थोड़े टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ब्रैबस के बारे में बताया था कि कैसे वो रोल्स रॉयस और पोर्शे जैसी काफी सारी कंपनीज की कार्स को कस्टमाइज करती है लेकिन मेनली जानी जाती है मर्सिडीज की कार्स को कस्टमाइज करने के लिए। तो ठीक वैसे ही जी पावर भी टोटल 4 कंपनीज की कार्स को कस्टमाइज करती है, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी, पोर्शे। इनफैक्ट जी पावर जी वैगन भी आती है जिसमें बढ़िया पावर मिलती है। लेकिन ब्रैबस की तरह ये कंपनी भी मेनली जानी जाती है BMW की कार्स को ट्यून्ड और कस्टमाइज करने के लिए। फॉर एग्जांपल ये है नॉर्मल M5, ये है G Power M5 जिसका ऑफिशियल नाम है G5M Hurricane RR। ये है BMW M8 तो ये है G8M Hurricane RR एंड ऐसे ही और कंपनीज की कार्स, ये है जी पावर उरुस जिसका नाम है GP780 क्योंकि इसमें हमको 780 हॉर्स पावर मिलती है विद एक्स्ट्रा कार्बन फाइबर और उसके साथ साथ पोर्शे की भी काफी सारी कार्स। अगर आप सोच रहे हो कि जी पावर में गाड़ी को बेस से टॉप बनाते होंगे करोल बाग की तरह, तो नहीं। कपलर टू कपलर 5% डिस्काउंट। जी पावर में मेनली फोकस होता है गाड़ी की परफॉर्मेंस पर, न कि गाड़ी के कॉस्मेटिक चेंजेस में एंड इस परफॉर्मेंस को अपग्रेड करने के लिए टोटल 5 स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। पहला, सॉफ्टवेयर अपग्रेड। पहले स्टेप में गाड़ी के ईसीयू के साथ छेड़छाड़ की जाती है लेकिन प्रॉपर वे में। सिंपल भाषा में कहूँ तो लैपटॉप वाला काम जिससे गाड़ी की परफॉर्मेंस बेटर होती है एंड गाड़ी ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करने लग जाती है। सेकंड स्टेप आता है टर्बोचार्जर अपग्रेड। इसी स्टेप में गाड़ी में बड़े टर्बोचार्जर को रिप्लेस किया जाता है, मींस मोर एयर फ्लो, मोर एफिशिएंसी इज इक्वल टू हायर परफॉर्मेंस। नेक्स्ट स्टेप है एग्जॉस्ट सिस्टम एंड डाउन पाइप्स का। बेसिकली इसी स्टेप में गाड़ी में बेटर एग्जॉस्ट सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है और वो क्यों वो तो आपको भी पता ही होगा। फोर्थ स्टेप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड वो है एरोडायनेमिक्स। इसी स्टेप में गाड़ी में काफी सारे मेटल पार्ट्स को कार्बन फाइबर से रिप्लेस किया जाता है जिससे गाड़ी लाइट वेट बने। कार्बन फाइबर एंड उसके साथ साथ कार्बन फाइबर का स्पॉइलर जिससे एरोडायनेमिक के साथ साथ गाड़ी की लुक्स भी इनहेंस हो जाती है। एंड फिर लास्ट और फिफ्थ स्टेप आता है एलॉयज का। इसी स्टेप में स्पेशल जी पावर फोक रिम्स इंस्टॉल किए जाते हैं जो कि ज्यादा लाइट वेट होते हैं पर स्ट्रॉन्ग भी एंड उन पर जी पावर की ब्रांडिंग भी होती है। एंड फाइनली इन 5 स्टेप्स के बाद रेडी होती है एक जी पावर कार जिसके सामने अपर सेगमेंट्स की कार भी रोने लग जाती है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। आपको और थोड़ा समझाने के लिए ये है जी पावर कॉन्फ़िगरेटर जिसमें आप किसी भी कार को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज या फिर ट्यून्ड कर सकते हो। जिसमें सबसे पहले 4 ब्रांड है तो हम BMW सेलेक्ट करेंगे जिसके लिए ये मेनली फेमस है एंड फिर मॉडल चूज करेंगे, सो लेट्स चूज 8 सीरीज एंड उसमें भी M8 कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पर हमारे पास 4 कार्स आती है जो कि अलग अलग तरीके से ट्यून्ड है। पहले GP700 जिसमें 700 हॉर्स पावर मिलती है, ऐसे ही GP740, GP780 एंड सबसे पावरफुल M8 GP820 जिसमें 820 हॉर्स पावर और 1000 Nm का टॉर्क है। और अगर आपके पास पैसों की कमी नहीं है तो फिर उसमें भी आप और बेटर टर्बोचार्जर, एग्जॉस्ट, इंटरकूलर अपग्रेड कर सकते हो, बस आपके पास पैसे होने चाहिए। बाबा इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तू जा।
अगर लास्ट में हम ब्रैबस और जी पावर को कंपेयर करें तो देखो ब्रैबस में पावर इनहेंस होती है लेकिन उसके साथ साथ लुक्स पर भी ध्यान दिया जाता है जैसे डिफरेंट कलर्स ऑप्शंस, इंटीरियर कलर ऑप्शंस एक्सेट्रा, जबकि जी पावर में मेनली या फिर कहे ओनली फोकस होता है परफॉर्मेंस पर। तो लुक्स मीन्स कस्टमाइजेशन के मामले में ब्रैबस बेटर है लेकिन ट्यूनिंग और परफॉर्मेंस के मामले में जी पावर कहीं गुना बेटर है ब्रैबस से। ओके, तो कुल मिलाकर ये थी जी पावर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और सब्सक्राइब तो डेफिनेटली करना। बाय। Once more!